हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको लगेगा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड ना हो। जहां भी मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा वहां ये परसेंटेज टॉपिक तो होगा ही, या इससे रिलेटेड होंगे कि परसेंटेज पढ़े बिना हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब एग्जाम में हमारे सामने आती है तो कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर 100 एंड इट्स न्यूमरेटर शोज द रेट ऑफ परसेंटेज। जैसे हम कहते हैं 1%, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/100। फ्रैक्शन में लिखे तो हम क्या लिखते हैं, 1/100। तो फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होता है जिसमें डिनोमिनेटर हर तो है 100 और न्यूमरेटर परसेंटेज की दर को बताता है, 13%, 13/100। नेक्स्ट देखो, आप कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब कितनी बार क्वेश्चंस में परसेंटेज में दे रखा होता है, तो अगर हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें, प्रतिशत को भिन्न में बदल दें, तो क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो करना क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है। जो भी परसेंटेज दिया है 100 से डिवाइड करना है। तो कुछ परसेंटेज यहां पर मैंने चेंज करके लिख रखे हैं। ये सारे इसलिए लिख रखे हैं कि आपको पता है, आप सोचेंगे कि हमें पता है कि जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको 100 से डिवाइड करना है, तो फिर उसके बाद फ्रैक्शन तो आ ही जाना है। तो ये सारे इतना लिख के बताने की कहां जरूरत थी, जरूरत थी। मैंने ये इस पर्पज से लिखा है कि यहाँ जितने भी परसेंटेजेस हैं एक्चुअली एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं में से कोई 1% आपके सामने आ जाता है। तो आप क्या करें कि इन परसेंटेज के लिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म को याद रख लें। देखिए, एक बात यहां पर सुने आप कि कुछ चीजें याद रखने में बुराई नहीं है। हम अगर अभी मेहनत कर लेंगे, कुछ चीजों को ध्यान रख लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम समय में हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, और वही जरूरी होता है कॉम्पिटिशन में। तो 25% को जब फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/4, 12.5, 1/8, ये सब किया है सही है, परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया, 37.5, 3/8, 62.5, 5/8, 87.5, 7/8, 6.25% होता है 1/16 के। ऐसे ही ये और कुछ फ्रैक्शंस लिख रखे हैं, तो ये सारे ही आपको याद रख लेने हैं। 9 1/11 आ गया तो आप सिर्फ ये 1/11 ही होता है, 11 1/9 तो ये 1/9 के बराबर है, 33 1/3, 1/3 के बराबर। तो याद रखना भी इजी है, कुछ के आप देखो कितना सिंपल आ रहा है, आपको कोई 100 से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। 66 2/3, तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 2/3 आएगा आपके पास, 16 2/3%, 1/6, 6 2/3 को जब चेंज करोगे 1/15, अब ये थोड़ा याद रखना है, 14 2/7, 1/7, 28 4/7, 2/7, 46 2/3%, 7/15, और 2 1/2% आपका बराबर होता है 1/40 के। तो ये सारे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किए हुए आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म याद रख लेनी है। अच्छा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हमने देखा कि 100 से डिवाइड कर लो, अब उसका उल्टा है, अगर कहीं फ्रैक्शन दिया है और परसेंटेज चाहिए तो क्या करें, सिंपल है, अगर फ्रैक्शन दिया परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सही है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 1/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 20%,
वन बाय थर्टीन, सेवन नाइन बाय थर्टीन परसेंट, एट बाय फिफ्टीन फ्रैक्शन को जब चेंज किया तो 53 वन बाय थ्री परसेंट। अब 7:6 है, ये क्या होता है रेशो, रेशो को तो हम ऐसे ही लिखेंगे 7:6, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 116 टू बाय 3%। तो ये होता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो आपने देखा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। इतनी बातें समझ ली, आगे चलते हैं। अब हमेशा क्वेश्चन में ऐसा ही आता है, आप देखना जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने तो ऐसा आता है कि इस अमाउंट में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इतने प्रतिशत की कमी हुई, तो इतने प्रतिशत का इंक्रीमेंट और प्रतिशत का डिक्रीमेंट। तो वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब कमी। तो अगर ऐसा आ जाए तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हुए क्या ध्यान रखना है, देखो आप जैसे आया कि इंक्रीमेंट हुआ है 20% का। अब आपको पता है कि 20% का मतलब क्या है, 20 डिवाइड बाय 100। अब आपको जब इंक्रीमेंट की बात करें ना तो आप इसको ऐसे समझो कि 20 डिवाइड बाय 100 और 20% का इंक्रीमेंट मीन्स कि ये जो भी डिनोमिनेटर है 100 उसमें 20 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120 बाय 100। तो आपको जब भी कोई वैल्यू को 20% से बढ़ाना हो तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 डिवाइड बाय 100 से। ऐसे डिक्रीमेंट देखें आप, 20% का डिक्रीमेंट है तो जैसे यहां पे 120 में 20 बढ़ा दिया तो यहां 100 में 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 100। ऐसे इंक्रीमेंट ऑफ 14 2/7%, तो सबसे पहले तो आप देखो कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7। अब 1/7 में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट के लिए तरीका क्या रहेगा कि जैसे यहां हमने किया था डिनोमिनेटर को 20 से बढ़ा दिया, वैसे ही यहां भी डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा देंगे, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देंगे वो न्यूमरेटर बन जाएगा 8/7। ऐसे अगर डिक्रीमेंट है तो डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर देंगे तो 6/7। ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जितना परसेंटेज है डिनोमिनेटर को उसमें से घटा दो वो हमारा नया न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। अब यहां देखें कुछ टर्म्स को कैलकुलेट कर रखा है, ये टर्म कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है वो अभी मैं बताऊंगी आप सबको। आप पहले इसको देखो, सबको पता है कि 100 को 1 से डिवाइड करते हैं 100 आता है, कोई खास बात नहीं है, पता नहीं क्यों कराया आप सोच रहे होंगे। तो अभी देखिएगा आप 100 को 2 से किया है 50, 3 से किया 33 1/3, ठीक है सिंपल डिवाइड किया हुआ है, 4 से किया 25, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 से मैंने 100 को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आई वो यहां पर लिख रखी है। पर्पस क्या है देखो आप, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए ना कि कोई वैल्यू 50% से बढ़ा दी और 33 1/3 से घटा दी, किसी भी वस्तु की या किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है या जो भी वैल्यू आपको दी हुई है कि प्रेजेंट वैल्यू को 50% से इंक्रीज कर दिया और 33 1/3 से डिक्रीज कर दिया तो नई प्राइस क्या होगी। तो क्योंकि ये 50 के बाद ये 33 1/3 आया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जो प्रेजेंट प्राइस है ना वो ही रहेगी फाइनल प्राइस। मतलब इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, जब एक के बाद दूसरा वाला ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, ऐसे ही अगर ये मिल जाए कि 100% से बढ़ा दी 50 से घटा दी, मतलब ऊपर वाला परसेंटेज से तो बढ़ाया और नीचे वाले से घटाया, ऐसा नहीं है कि 100 से बढ़ा दी और 33 1/3 से घटा दी, ऐसा नहीं, एक छोड़ के नहीं। लेकिन कंटिन्यूशन में अगर आ जाए 33 1/3 से वैल्यू बढ़ा दी 25% से घटा दी तो इफेक्ट जीरो, तो वो की वही प्राइस रहती है। सेम चीज सभी में, 25% से बढ़ाई 20 से घटा दी, या 16 2/3 से बढ़ाई 14 2/7 से घटाई, इफेक्ट जीरो। इसीलिए यह सारे कैलकुलेट करके रखें। तो एक बार मेहनत जरूर लगती है हमें कि ये सारे याद रखने में,
एक बार याद रख लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन करने में इतनी आसानी हो जाती है, और हमें क्वेश्चन पढ़ते ही कितने क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ता और हम ऐसे ही उसमें मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे ट्रिक वाले ही आते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पे आते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें समझनी है। हमने अगर ये समझ ली तो हमारे क्वेश्चंस मैथ्स के, क्योंकि तो हमें ज्यादातर मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं कि हमें मैथ्स नहीं होता है, सब हो जाएगा मैथ्स नहीं होगा, सिंपल टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो चीज बताएं आप उस पर ध्यान दो, आप उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ऐसा सेम जैसे मैंने बताया, 9 1/11 से बढ़ाया वैल्यू और 8 1/3 से घटाया तो दोनों का इफेक्ट 0, 10 से बढ़ाया 9 1/11 से घटाया तो इफेक्ट 0, कुछ विदाउट कैलकुलेशन राइट योर आंसर। ठीक है, तो अभी इतना ही। आज हमने परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, और इफेक्ट इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट क्या है, और ये परसेंटेज के इफेक्ट कैसे नेग्लिजिबल हो जाते हैं, किस कंडीशन में नेग्लिजिबल हो जाते हैं, इतनी बात समझी। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।